गुड मॉर्निंग एवरीबडी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में एक बार फिर आ, टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के कॉलीफायर्स हो रहे हैं ठीक है जिसमें थाईलैंड और यू का जो मैच है वो शाम को आपको साढ़े तीन बजे शाम भी नहीं दोपहर के साढ़े तीन बजे आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है दोनों ही टीमों की बात करेंगे इस वीडियो में स्कॉट जानेंगे उनके उनके प्लेइंग एलेवन क्या हो सकती है इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन है क्या है देखो अब थाईलैंड और यू है इनके मैचेज हम कवर करते हैं ठीक है वुमेंस के मैच हैं तो इन दोनों ही टीम को हम कवर करते हैं थाईलैंड स्पेसिफिकली ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स में खेलता है ऐसे मतलब कोई थाईलैंड टोर पर जाता नहीं है थाईलैंड किसी थायलैंड को कोई टोर पर बुलाता नहीं है ये थोड़ी सी वीक टीम है ठीक है वहीं यू की बात करूँगी तो खेलती रहती हैं इनकी जो क्रिकेटर्स हैं वो फेयर ब्रेक वगैरह में और इधर उधर की लीग्स में भी एक दो प्लेयर आपको खेलते हुए दिख जाती हैं तो इस मैच की हम बात करेंगे उससे पहले जो भी चैनल पे नया है मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब कर लो आप बेल आइकन प्रेस कर लो इंडिया वुमेंस इंग्लैंड वुमेंस का वीडियो भी आपके लिए आ जाएगा है ना और लेजेंड्स के मैच स्टार्ट हो रहे हैं उसका वीडियो भी आपके लिए आ जाएगा वो जो जो रहेंगे वो डिटेल्ड रहेंगे क्योंकि वहाँ पर दोनों ही टीम्स टफ कॉम्पिटन देंगी वहाँ पर वेन्यू वगैरह भी अच्छे होते हैं इसमें क्या वेन्यू की मैं बात करूँ है ना देखोगे तो टीम थाईलैंड बहुत वीक है आ, ऐसे रेगुलर खेलती भी नहीं है सीजनल क्रिकेटर्स हैं तो ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए रहता नहीं है वेन्यू वेन्यू के रिकॉर्ड उनके काम आते हैं नहीं यू ही क्रश करके चले जाएगी थाईलैंड को इतनी बात मैं आपको पहले बता देता हूँ साथ में जब आप इसकी फाइनल टीम देखोगे ना इन केस अभी प्लेइंग एलेवन में कुछ गलत हो जाता है या फिर कोई एंड मिनट अपडेट आती है तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक पर टैप करोगे तो पहुंच जाओगे हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जहाँ पर आपको फाइनल टीम्स वगैरह देखने को मिल रही है फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग दोनों में हमने बांग्लादेश और जो मैच था श्रीलंका का उसमें हमने क्लीन स्वीप किया था और पॉइंट्स डिफरेंस आप देख लो सौ सौ पॉइंट्स डिफरेंस के जो रहता है हमारा वो सिर्फ इस वजह से रहता है क्योंकि मैं कम कॉम्पिटिशन वाले ऐप पर खेलता हूँ जिसका नाम है एलेवन चैलेंजर्स ऐप ठीक है इस ऐप की लिंक आप कमेंट सेक्शन

कोंचा रोनिकाई को भी सब जानते हैं वाइस कैप्टन और विकेट कीपर इनकी टीम की नताय बूचाताम चनीदा सुथिरांग नथक्कन चंटम और फिर तिपोच हैं ये इनके चार जो इनका मेन इनकी टीम में जो रोल रहता है ना बूचचाम हो या सुथिरांग हो चंटम हो सोनारिंग तिपोच एक अच्छे ऑलराउंडर है फिर उन चक्कम पोचू हैं सुलीपोन लाउमी है सुली लाउमी अच्छी बॉलर हैं ठीक है उसके बाद कुछ नए नाम हैं और आखिरी में जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको एक नाम दिखेगा सुनीदा और ये इनका सरनेम जो भी है ठीक है ये डोमेस्टिक में बहुत अच्छा करके आ रही है तो इनकी तरफ आप ग्रैंड लीग में जरूर जा सकते हो स्मॉल लीग में तो ये जो मैंने आपको चार नाम बताए और चाय के साथ आप जाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा भाई यू ए के स्क्ॉड की अगर आप बात करोगे तो फुल फ्लैज अपनी साइड लेके आए ठीक है एक से बढ़ के एक आपको प्लेयर दिख जाएंगे छाया मुगल इनकी कैप्टन मीडियम पेस आपको डालते हुए दिख जाएगी फिर नताशा चेरिया थे समायरा धरनी धक्या धरनी धक्का धारका है फिर कविशा एडागोडे है इगोडागे है ये आपको बैटिंग भी करके देती हैं और जहाँ पे टीम वीक हो ना वहाँ पर आपको बॉल करते हुए नहीं दिखाएंगे वहाँ पर इनके जो मेन बॉलर्स हैं मेन बॉलर्स में इनके आप देखोगे तो यहाँ से आपको गीतिका कोडाली यू में है यहाँ पे महिका गोर आपके लिए इंपॉर्टेंट जो अराउंड द लीग खेलती हैं ठीक है वर्ल्ड के अराउंड खेलती है फिर सिया गोखले आपके लिए अच्छे बॉलर ईशा ओजा बैटिंग आपको करके देती हैं कविशा इगोडागे भी आपको बैटिंग करके हुए देती हैं छाया मुगल इनकी तीसरी बॉलर है चौथी बॉलर आप देखोगे इनकी तो रितिका रजीत और रिंता रजीत की तरफ आप जा सकते हो ये चार और इनके अलावा इंदुजा नंद कुमार अगर खेलते हैं तो ये ये इनके पाँच मेन बॉलर होते हैं और पाँचों के पाँच आपके लिए जो है थाईलैंड के अगेंस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे ठीक है बाकी जो आपके मस्ट पिक्स रहने वाले हैं इसमें इसमें तीर्थशतीश अगर वन डाउन बैटिंग करती है विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको दिख जाएंगी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है खुशी शर्मा बॉलिंग से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कविशा और ईशा ओजा आपके लिए बैटिंग से इंपॉर्टेंट है छाया मुगल आपको ऑलराउंड एबिलिटीज़ देती हैं वो और महिका गौर आपको लेफ्ट आर्म मीडियम डालते हुए दिख जाएंगी तो ये कुछ प्लेयर्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ठीक है अब जिन्होंने लास्ट मैच खेला था वो अपन देख लेते हैं पहले अपन थाईलैंड से स्टार्ट करते हैं कि थाईलैंड ने अपना लास्ट मैच कब खेला था तो थाईलैंड को देखोगे तो अपने लास्ट मैच सत्ताइस नवंबर दो हज़ार इक्कीस को खेला था दोपहर के एक बजे कहाँ भी खेला था हरारे पे आ, इस मैच में क्या हुआ था वो ज़रा आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी वीक साइड है थाईलैंड और इससे भी आपको पता चल जाएगा कि कितनी कंसिस्टेंट थाईलैंड का क्रिकेट है कि भाई एक साल बाद हम उनको एक साल तो नहीं खैर छः सात आठ महीने बाद उनको अब मैच मिल रहा है खेलने को ठीक है तो यहाँ पे हुआ क्या था यहाँ पे यूएसए को इन्होंने कर दिया था यू एस का काम कर दिया था यूएसए का काम हुआ मतलब आपके लिए कौन अच्छा करके देगी बॉलर सुथी या फिर बूझे थाम ये दो प्लेयर्स आपको हमेशा अच्छा करते हुए दिख जाएंगे बूझे था कि यहाँ पर चार विकेट दिख जाएंगे एक सूर्ति के दिख जाएगा ठीक है फिर जो मैंने आपको बताया था लावमी के बारे में एक विकेट उनके पास था छः ओवर उन्होंने डाले थे ओनीचा कचोम फू की बात कर तो सात ओवर इन्होंने डाले थे एक विकेट इनको मिला था और फिर सोनारियन तिपोच दो विकेट इनको मिले थे ठीक है फनीता माया है नहीं इस बार स्कॉर्ट में ना ही कनो है तो इन दोनों के बाद हम करेंगे नहीं अब बूच थाम को देखोगे तो राइट हम फास्ट मीडियम ये बॉल डालती है सुथिराम के बाद कोई राइट एम मीडियम ये डालती है तिपोच आपको एक आ, स्पिन ऑप्शन दिख जाता है उसके बाद जब आप इनकी तरफ आओगे लावी की तरफ तो लावमी आपको लेग स्पिन ऑप्शन देती है मतलब सारी वैराइटी इनके पास है तिपोच आपको एक ऑफ स्पिनर दिख जाएगी लावी आपको एक लेग स्पिनर दिख जाएंगे एक और दो आपके न्यू बॉल बॉलर जो कि राइट एम मीडियम पे आपको डाल के देते हैं ठीक है ये बॉलिंग से बात हुई बैटिंग से आप देखोगे तो तिपोच आपको ओपन भी करते दिख रही है उनतीस रन इन्होंने बनाए फिर जो चंतम है वो आई थी बूचत थाम को वन डाउन प्रमोट किया था लेकिन मोस्ट लाइकली वन डाउन आपको नरोमी चावाई आप आते हुए दिख जाएंगे

ओपन करते हुए दिखेंगी और चाय भाई आपको वन डाउन बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे ठीक है uh, क्योंकि इस बार लिंस्प्राट है नहीं और ओनीचा चन है लेकिन uh, चाय बाई वन डाउन आपको मोस्ट लाइकली बैटिंग करते हुए इस सीजन में दिख जाएगी ठीक है फिर बूझता हमने अठारह रन बनाए थे सुथी रंग को देखोगे दो रन उन्होंने बनाए थे तो ये था पाकिस्तान के अगेंस्ट और उससे पहले जब आप देखोगे एक मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट तो यहाँ पे थाईलैंड जीता था डी एल एस के चलते अब यहाँ पे देखो बांग्लादेश के इन्होंने विकेट्स निकाले तो पांच आपको पूछता था हम कि फिर से दिख जाएंगे एक सौ तिरंग का दिख जाएगा एक तिपोच का दिख जाएगा और जब आप बैटिंग देखोगे तो आपको तिपोच के रन भी दिख जाएंगे चंटम के रन दिख जाएंगे चायवाई के पाँच रन थे और जो इनकी कीपर थे वो वन डाउन बैटिंग करनी थे चौदह रन इन्होंने बनाए थे ठीक है तो थाईलैंड की बात हो गई इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आपको मोस्ट लाइकली समझ आ गए होंगे कि कौन कौन आपके लिए न्यू बॉल डाल रहा है कौन स्पिन डाल रहा है कौन कहाँ बैटिंग कर रहा है ना अब हम बात कर लेते हैं यू की ही वुमेंस के मैच के बारे में अब क्योंकि यू की जो गवर्निंग बॉडी है वो ए सी 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 एशियन क्रिकेट काउंसिल और एशियन क्रिकेट काउंसिल आपको पता है कि क्रिकेट में कितना इन्वॉल्व रहती है तो अभी यूआई रिसेंटली ही खेल के आ रही है पच्चीस जून सुबह आठ बजे वुमेंस टी ट्वेंटी चैंपियनशिप जो एशिय एशियन क्रिकेट काउंसिल ने करवाई थी उसमें तो इनका क्या परफॉर्मेंस था यहाँ पर यू पांच विकेट से जीता था मलेशिया के अगेंस्ट उनका मैच था बॉलिंग से देखो छाया मुगल जो इनके कैप्टन न्यू बॉल से बॉल डालते हुए दिख जाएंगे फिर खुशी शर्मा के साथ देखोगे तो दोनों ही दोनों आपको मीडियम पेस ऑप्शन देती है खुशी शर्मा राइटा मीडियम है और छाया मुगल भी आपको राइट आ मीडियम डालते दिख जाती है बस छाया मुगल आपको ओवर में ज्यादा अच्छा करते दिख जाएंगे क्योंकि वो वेरिएशन जो करती है ना उस टाइप की वो बॉलर ठीक है थीके? उसके बाद कुमार के बारे में आपको बताया था राइट हम फास्ट मीडियम बॉलर देते दे तो वो स्पेशलिस्ट वैष्णव महेश में है नहीं सुरेशा कोटे दो ओवर सत्रह ईशा रोहित ओजा ने दो ओवर डाले थे इसमें बारह रन दिए थे कोई विकेट देने मिला नहीं था ठीक है चेस करने आई रन किसके आपको दिख जाएंगे ओपन करी थी इनकी कीपर तीता सतीश ईशा रोहित ओझा के साथ वन डाउन मैन थी कविशा गोडागी उसके बाद खुशी शर्मा जो इनकी मीडियम पेसर फिर छाया मुगल ठीक है ये चारों आपको दिख गई थी इनके अलावा आ, कतर के साथ मैच था वो वॉश आउट हो गया था नेपाल के साथ मैच था वो वॉश आउट हो गया था मलेशिया के अगेंस्ट एक और मैच था इनका वो इन्होंने बहुत बड़े मार्जिन से नौ से जीता था देखोगे तो आ, पहले बैटिंग कर रहे थे एक इन्होंने लगा दिए तीर्था सतीश के बावन थे छब्बीस थे ईशा रोहित ओजा के और कविशाई गुडागे के पैंतालीस रन थे ठीक है बॉलिंग से देखोगे तो आठ विकेट गिरा दिए थे छाया मुगल का एक विकेट ईशा रोहित ओजा अन्य पूरे चार ओवर डाले थे ये आपको ऑफ स्पिन डालते दिख जाती हैं अगर सामने कोई लेफ्टी है जैसे कि यहाँ से आप वान जुलिया की बात करोगे वनफील्ड दुराई सिंगम और मास सलीसा सारे के सारे राइटी आपको दिख रहे हैं तो ईशा रोहित ओजा का विकेट सेक्शन में आपको कुछ भी दिखेगा नहीं जीरो विकेट्स हैं लेकिन लेफ्टी के अगेंस्ट अच्छी बॉल डालती तो है तो अगर लेफ्टी हैं तो ईशा रोहित ओजा आपके लिए अच्छी वाइस कैप्टनसी एटलीस्ट ग्रैंड uh, लीग में हो सकती है फिर खुशी शर्मा को एक विकेट मिला था uh, इंदुजा नंद कुमार को चार विकेट मिले थे नंद कुमार जैसा मैंने बताया लेट आती है बॉल डालने और दे ओवर स्पेशलिस्ट है ठीक है uh, ये उनका दूसरा मैच था तीसरा मैच देखोगे तो सिंगापुर को तो भाई उनतीस कोल आउट करके uh, खुद ने दो ओवर में चेस कर लिया था तो इस मैच की क्या बात करूँ तीन छाया मुगल के पास है तीन रोहित ओजा uh, सुरगक्षा कोटे के पास दो हैं बाकी किसी के पास विकेट नहीं है इन मैचेस की बात करने की जरूरत नहीं है अगर कोई अच्छा मैच मैं आपको दिखता है तो वहाँ बताता हूँ हाँ ये ठीक है हॉकॉंग वोमेंस की अंग्स जो मैच था इनका थोड़ा सा काटे का होता है बैटिंग फोर्स करती है रोहित हो जाकर सत्ताईस कभी शेख गुड आगे इकसठ छाया मुगल के रन थे और बॉलिंग से फिर आपको उन्नी वही सेम नाम दिखेंगे छाया मुग कई विकेट हमे का गौर गॉस्ड में है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए हो सकती है लेफ्ट मा मीडियम डालती है दो विकेट इस मैच में भी लिए थे तो अच्छा आपको करके दे सकती हैं है ना फिर देखोगे आप तो हाँ हिंदू जो कुमार कहीं हुआ तो वही सेम बॉलर्स विकेट ले रहे हैं और वही सेम जो प्लेयर्स हैं वो रन बना रहे हैं ना तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों ही साइड की प्लेइंग रन और जो प्लेयर्स कहाँ बैटिंग कर रहे हैं कौन कहाँ बॉलिंग कर रहा है सबको समझ आ गया होगा तो टीम हम प्रिपेयर कर लेते हैं अब यू और थाईलैंड के लिए अब यहाँ पर दिक्कत एक क्या आई होगी आपको कि थाईलैंड के लिए कोई भी कहीं भी बैटिंग कर रहा है ठीक कोई भी ओपन करने आ जाता है कोई भी कहीं पर भी आ रहा है तो एक मिनट की एक्स्ट्रा डेडलाइन आपको इलेवन चलेंजेस ऐप पे मिलती है आप लाइव देख के चेंज कर सकते हो कि थाईलैंड के लिए कौन ओपन कर रहा है तो ये चीज़ है कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक है डाउनलोड करना चाहो कर सकते हो अब क्योंकि हम यू फेवर करके टीम बनाएंगे तो यू से जो हमारे मस्ट पहले हम वो पिक कर लेते हैं तीसा सतीश विकेट कीपिंग सेक्शन से ईशा रोहित ओजा और कविशा इगोडागे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है कविशा कुमारी पे यहाँ पे नाम दिया है तो ये तीन उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन पे आओगे तो छाया मुगल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बॉलिंग uh, सेशन से हमारे लिए महिका गौर महिका गौर के साथ नंद कुमार और नंद कुमार के साथ खुशी शर्मा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ठीक है तो ये देखोगे सात जो मेरे प्लेयर्स हैं ये मेरे यू से मस्ट पिक्स हैं और थाईलैंड की तरफ से अगर मैं बात करूं तो थाईलैंड की तरफ से सुथिरंग और तिपोच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है है ना उसके बाद बैटिंग में आओगे तो एक बैट्समैन आपको इधर से पिक करना ही है आपके पास ऑप्शन है आप चंटाम की तरफ जा सकते हो चाय की तरफ जा सकते हो मैं चंटाम की तरफ जा रहा हूँ आप चाहो तो चाय की तरफ भी जा सकते क्योंकि न्यू बॉल से विकेट गिरेंगे और चन्टाम ऊपर बैटिंग कर रही तो हो सकता है कि चन्टाम से ज़्यादा पॉइंट्स आपको चाय वाय दे जाए ठीक है तो आपकी चॉइस रहेगी मैं चाय की तरफ जा रहा हूँ थोड़ा सा रिस्क लेके और एक जो मुझे बॉलर पिक करना है वो मुझे इस तरफ से बूचताम की तरफ में जाऊँगा आप चाहो तो लॉन्मी की तरफ जा सकते हो ठीक है ये मेरी स्मॉल लीग की टीम रहेगी कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात करूँ तो आपके पास ऑप्शन देखोगे तो बहुत सारे हैं और ऑप्शन आपको वैरायटी भी दिख जाएगी ऑप्शंस में कि अगर यू ही पहले बैटिंग करता है तो आप किसी और को बना सकते हो यू ही पहले बॉलिंग करता है तो आप किसी और को बना सकते हो ठीक है लेकिन मेरे लिए जो मस्ट पिक्स हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए वो ज़्यादा डिफर करेंगे नहीं टॉस के हिसाब से मेरी जो कैप्टन रहेगी वो ईशा रोहित ओजा रहेगी ठीक है और जो मेरी वाइस कैप्टनसी है उसमें मैं सोच रहा हूँ कि थाईलैंड अगर पहले बॉल डाली तो मैं शायद सोनारी तिपोच को दे दूँ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पूरे दस ओवर डालनी और बैटिंग ठीक ठाक ये कर लेती ठीक है क्योंकि यहाँ से यूए की तरफ से हो सकता है कि ओवर्स में किसी बॉलर को दूँ ना तो ओवर्स उनके कट जाएं हाँ कप्तान को दोगे छाया मुगल तो कप्तान है पूरे चार ओवर की दिक्कत आई नहीं तो आप इस कॉम्बिनेशन के साथ भी जा सकते हो और फिर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो मतलब कैप्टन तो मेरी श्योर है कि ईशा रोहित तोजा रहेगी वाइस कैप्टन से तो छाया मुगल या फिर सुना तिपोच तो दोनों में से किसी एक को दूंगा पहले बैटिंग करती हुई तो आप तिपोच के अलावा अगर किसी और को सोचे ग्रैंड लीग वगैरह में तो आप तीसा सतीश की तरफ जा सकते और फिर कविशा कुमारी को भूलना मत ठीक है ये मेरी स्मॉल लीग की टीम देख लो स्क्रीन ले लो और लीग आप ज्वाइन कर लो फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी इतना ही तो इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा मैं मिलूंगा फाइनल टीम्स लेके तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर अ गुड डे